हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं शुभेंदु सरकार। मैं फिर से आया हूं आपके सामने एक छोटा सा एक वीडियो लेकर। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना। और सभी मित्रों से मेरा अनुरोध है कि जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। तो आइए, आज का वीडियो है दादरे में। ये तो दादरा है, लेकिन इसके बाद एक लग्गी बजाना तो हम सीखेंगे। वो लग्गी है, लग्गी बजाना है, फिर उसके बाद उसका थोड़ा सा पलटा है और उसके बाद उसकी तिहाई है। तो आइए उसको जानते हैं, सीखते हैं, करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा किस तरीके से लग्गी था, उसके बाद उसका पलटा, उसके बाद उसकी तिहाई। तो इस लग्गी को सबसे पहले जानते हैं। ये तो दादरा है, आप सबको पता है, चलत दादरा है। एक्चुअल में ये खेमटा बोल, इसे खेमटा बोल बोलते हैं। इसका जो लोच है उसको हम खेमटा का लोच बोलते हैं, लेकिन आजकल ये दादरा में चलत में आ गया है, तो हम उसको जानते हैं किस तरीके से बज रहा है। उसके बाद जो लग्गी बजा, आज का फोकस हम लग्गी पर करेंगे। तो जो लग्गी बजा वो किस तरीके से बजा, तो धग धीना त्रिकट धग धीना त्रिकट धग धीना त्रिकट धग धीना त्रिकट, ये है लग्गी का बोल। अब इसको मैं आराम से बोलूंगा, आराम से बोलने के बाद इसको आराम से बजा के देखेंगे। धग तीना त्रिकट धग धीना त्रिकट, इसको आप लिख लीजिए। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो उसको नोट कर लीजिए, बहुत ही सरल है, आप याद भी कर सकते हैं बहुत सरलता से। धागे तीना तिरिकट तागे धीना तिरिकट। देखिए इसका भी जो लोच है ना वो भी खेमटा में जा रहा है। खेमटा का बोल क्या है, धागे तीना के ना तागे धीना गेना। और खेमटा ही स्पीड में बजता है जब दादरा हमेशा स्लो में होता है। दादरा का लोच स्लो में ही उसको समझा जाता है, जैसे कि हम रूपक को कभी स्पीड में नहीं बजाते, इस तरीके से नहीं बजाते हैं रूपक को, उसी तरीके से दादरा को भी स्पीड में नहीं बजाया जाता है। दादरा का जो लोच है वो मेन लोच उसके स्लो में ही हमें समझ में आता है, उसके बाद जो स्पीड का जो रूप धारण कर लेता है वो खेमटा का रूप है। तो खेमटा अधिकतर लोग बोलते हैं ये दादरा बजा है, वो दादरा नहीं, वो खेमटा बजता है। और जो खेमटा का रूप है वो देखिए किस तरीके से है, धागे तीना के ना तागे तीना गे, यही दादरा में स्पीड में हो जाता है। तो आपको तो ये समझ में आ गया होगा। अभी चलते हैं लग्गी की तरफ। लग्गी क्या था, धागे तीना त्रिकट तागे धीना त्रिकट, सेम इसी लोच में। अब इसको कैसे बजाएंगे, धागे तीना त्रिकट तागे धीना त्रिकट किस तरीके से बज रहा था, है ना। अब इसको स्लो में बजाते हैं, इसका डायनेमिक्स देखते हैं। देखिए धागे तीन त्रिकट किस तरीके से, धागे ती धा, देखिए धा को घिसकर म्यूट वाले गे से म्यूट कर देना है, धा धागे धागे धागे, गे के साथ एक के भी है। है ना, धागे के साथ एक छोटा सा ते भी है, ये ते का साउंड बहुत स्लो आएगा, धा गे धा गे धा गे धा गे धा गे तीना त्रिकट, देखिए धा गे तीना ती, यहाँ पे तुन का इस्तेमाल करेंगे छोटा वाला, ती के साथ एक और भी जोड़ देंगे, तीना ती ना, देखिए ना किस तरीके से, तीना त्रिकट धागे तीना त्रिकट तागे ता, ये वाला गे बहुत स्लो में आएगा। कैसे, धागे तीना त्रिकट तागे तागे, और इसके साथ भी एक ते है छोटा सा गे,
धागे, धीना, धीना त्रिकिट कैसे, धीना, धीना त्रिकिट। तो देखिए त्रिकिट भी हो गया, धागे तीना त्रिकिट, तागे धीना त्रिकिट भी हो गया, पूरा हो गया। अब इसको हमने अच्छे से आराम से करके देखना है, धागे तीना त्रिकिट, धागे तीना त्रिकिट। अब तागे धीना त्रिकिट, तागे तागे धी ना तीरे कीट। धा पे प्रेशर है, पहले वाला धा प्रेशर देके म्यूट करना है, और लास्ट में जो धीना त्रिकिट है उसमें प्रेशर है, धीना त्रिकिट। ये तो था लग्गी दादरा का, अभी इसका एक पलटा, पलटा कैसा है देखिए। तरीके से बज रहा था, अभी इस लक्की पलटे को जानेंगे लग्गी के। ये चार मात्रा की लग्गी है, लेकिन इसको फिट कैसे करेंगे, चारती या बारह मात्रा में। धाती धागे धीना त्रिकिट, धाती धागे धीना त्रिकिट, धाती धागे धीना त्रिकिट, तीन बार बजा लेना है हमें, बारह मात्रा हो जाएगा। धाती धागे धीना त्रिकिट, ये इसका पलटा है। अब इसको पलटे को आप लिख लीजिए, धाती धागे धीना त्रिकिट, याद करना भी बहुत सरल है। धाती धागे धीना त्रिकिट है ना, धाती धागे धीना त्रिकिट, धाती धागे धीना त्रिकिट, चार मात्रा का है, चार तिया बारह मात्रा में बजाएंगे तो छह मात्रा का डबल हो जाएगा। उसको हम चाहे तो ऐसे देखिए, चार मात्रा का धाती धागे धीना त्रिकिट, 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 तीन बार करके हम बजा सकते हैं इसको, दो बार दो पल्ला बजा सकते हैं या फिर तीन पल्ला बजा सकते हैं। तो आप इसको ऐसे बजाइए, तो धाती धागे धीना त्रिकिट किस तरीके से बजेगा, धाती धागे धीना त्रिकिट, धाती धागे जो है ना, धाती धा, देखिए यहाँ पे म्यूट वाला है, हाथ मेरा यहाँ पे, और ये ता, धाती धा, धाती धागे धी, देखिए धी कैसे, धी ना त्रिकिट, है ना, धाती धागे धी ना त्रिकिट, धाती धागे धी ना त्रिकिट, धाती धागे धी ना त्रिकिट, ती धा ती धा, देखिए धाती धागे धीना त्रिकिट, ठीक है, धाती धागे कैसे बज रहा है। है ना, तो इस तरीके से आप धाती धागे धीना त्रिकिट सेम है तो ये बजा सकते हैं। इसको बजाने कैसे है, और स्लो में दिखाते हैं। सिंपल है, और फिर तिहाई क्या है, धा त्रिकिट देख त्रिकिट, धा धा त्रिकिट देख त्रिकिट, धा धा त्रिकिट देख त्रिकिट, धा, सिंपल है। धा त्रिकिट देख त्रिकिट कैसे बजाना, धा त्रिकिट टिक त्रिकिट, धा धा त्रिकिट टिक त्रिकिट, धा धा त्रिकिट टिक त्रिकिट। डायनेमिक्स देख लेते हैं, धा थोड़ा प्रेशर से त्रिकिट टिक, जो प्रेशर में है ये टिक, धा त्रिकिट टिक त्रिकिट, देखिए धा त्रिकिट टिक त्रिकिट, है ना, टिक टिक पे भी प्रेशर है, धा
तेरे केटे, एक तेरे केटे, धा धा तेरे केटे, एक तेरे केटे, धा धा तेरे केटे, एक तेरे केटे, धा। तो आज का था लेसन, आज इसको सीखिए, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और आप दादरे के गाने के साथ इसे अप्लाई भी कीजिए। बिना अप्लाई के खाली सीख के आप अंदर रखेंगे कोई फ़ायदा नहीं है, आप अप्लाई कीजिए। अप्लाई करना सबसे बड़ी बात है, और संगत करना आना चाहिए हर तबले वाले को। तो सीखिए, कीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आज का।